निरंतर अनंत काल तक गतिमान रहेगा। हे दया निधान, इस सोम को पुनः जीवन प्रदान करने वाले हे प्रभु सोमनाथ, हे भक्त वत्सल भोलेनाथ, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। ज्ञात हुआ कि प्रभु का एक नाम सोमनाथ भी क्यों है। उन्होंने सोम अर्थात चंद्र को उनके अंत से जो सुरक्षित किया था, और सौराष्ट्र में जिस स्थल पर चंद्र देव ने प्रार्थना की थी, वहीं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमदेव महातीर्थ की स्थापना भी हुई। इसीलिए यदि कोई भक्त भयंकर रोग से ग्रस्त हो और यदि वो जाकर सोमनाथ तीर्थ में महादेव की पूजा करता है, तो प्रभु की कृपा दृष्टि से वो पुनः स्वस्थ होकर दीर्घायु होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और यदि कोई भक्त भक्ति निष्ठा और विश्वास से महामृत्युंजय का जाप करता है, तो उसे असमय मृत्यु के कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है और कुछ अवकाश के लिए उसकी मृत्यु टल जाती है। लंकेश, जल। किंतु ये विरोधाभास देखिए लंकेश, जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, उन्हें प्रभु महादेव के अवतार के समक्ष चंद्रदेव अपने अस्त्र धारण कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। एवं जैसे ही प्रभु पिपलाद के समक्ष चंद्रदेव का क्षय होना आरंभ हुआ, तो उन्हें वास्तविकता का आभास हुआ। मैं प्रभु के ही मार्ग को बाधित करने का प्रयास कर रहा हूं, ये कैसा अनर्थ कर रहा हूं मैं। महादेव का स्वागत करने के स्थान पर उन्हीं पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहा था मैं। ये क्या कर रहे हैं चंद्रदेव? उस बालक को रोकने के स्थान पर उसका अभिवादन क्यों कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शनि के विश्व त्रस्त जब हुआ, तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है रूप। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, आपको पहचानने में विलंब कर दिया मैंने, किंतु सूर्य मंडल सभा में आपका स्वागत है। बालक चंद्रदेव से आगे कैसे निकल गया? क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे समक्ष आकर उसका कितना बड़ा अहित होगा? तो फिर वो क्यों आ रहा है यहां, और चंद्रदेव ने उसे आने कैसे दिया?
चंद्रदेव को छलने में सफल कैसे हो गया छलिया बालक? किंतु उससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इस बालक ने काल सर्प योग के प्रभाव को क्षीण कैसे किया। कारण कोई भी हो, इस बालक को रोकना अनिवार्य है। मंगलदेव, किंतु भ्राता मंगल ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि जिन्हें वो रोकने के लिए तत्पर हो रहे थे वो स्वयं भी उन्हीं महादेव के पुत्र हैं? काल सर्प योग का ऐसा ही अनिष्टकारी प्रभाव होता है गौरी पुत्र। ग्रहों का स्वयं से नियंत्रण ही मिट जाता है, उनका प्रभाव, उनका विचार सभी राहु केतु के अधीन हो जाते हैं। यही हुआ था चंद्रदेव के साथ भी, इसलिए उन्होंने प्रभु पिपलाद पर प्रहार करने का प्रयास किया और अब मंगलदेव भी उसी दशा से प्रभावित होकर वही भूल करने जा रहे थे। किंतु भ्राता मंगल तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो कहीं प्रभु पिपलाद के समक्ष उनके क्रोध ने उन्हें प्रभावित तो नहीं किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ बालक। मैं भी आपको सावधान कर रहा हूं, हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित इस बालक को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा मुझे, तभी इसे ज्ञात होगा कि मुझसे संघर्ष करना उचित नहीं होगा इसके लिए। सावधान बालक, और आगे बढ़ने का दुस्साहस नहीं करना। अन्यथा तुम पर लक्षित इन शिलाओं को देखकर उसके विनाशकारी परिणाम का परिचय तुम्हें प्राप्त हो ही गया होगा। मुझे ना शिलाओं की चिंता है ना किसी परिणाम की। मैं यहाँ लौटने नहीं अपितु शनिदेव को उस अन्याय के लिए दंडित करने आया हूँ जो अन्याय उन्होंने मेरे साथ किया है। बालक, शांत स्वभाव के चंद्रदेव ने तुम्हें भले ही आगे बढ़ने का अवसर दे दिया, किंतु मंगलदेव तुम्हें ये अवसर कदापि नहीं देंगे। वो तुम्हें भयभीत करके अवश्य वापस भेज देंगे। अन्यथा यदि वो बालक मंगल देव से भी आगे बढ़कर मुझ तक पहुंच गया तो फिर दुर्भाग्यवश उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तब मेरी दृष्टि से केवल उसका विनाश ही संभव है। एक बार पुनः सावधान कर रहा हूं तुम्हें, भूल से भी अपना पग आगे मत बढ़ाना, अन्यथा मेरे ग्रह की ये तप्त शिलाएं तुम्हें एक ही क्षण में नष्ट कर देगी। पुत्र, ध्यान से देखो, जिनके चरणों को तुम बढ़ने से रोक रहे हो उन चरणों की धूल मात्र हो तुम। मंगल देव को स्मरण होने लगा कि कैसे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के स्वेत से उनका जन्म हुआ था और फिर कैसे उनकी माता भूमि देवी ने
उनका पालन पोषण किया। आपके साथ उनकी प्रथम भेंट का भी स्मरण हो आया गौरीपुत्र। और अंततः उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ने उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूं। तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे। सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु। कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? मंगलदेव भी नतमस्तक हो गए इस बालक के समक्ष। कैसे संभव है ये? ये क्या हो रहा है? सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपति इस बालक को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? सर्वप्रथम चंद्रदेव और अब मंगलदेव, उन्होंने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। क्या इन्हें यह ज्ञात नहीं कि ये बालक मेरे समक्ष पहुंचकर केवल अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करेगा, जिसका एक ही परिणाम होगा, बालक का सर्वनाश, बालक का सर्वनाश। तो अंततः भ्राता मंगल भी उन्हें पहचान ही गए, और तब वो पिताश्री के मार्ग की बाधा बनना भला कैसे स्वीकार कर सकते थे? मंगल देव तो पिताश्री के मार्ग में बाधा नहीं बने, किंतु ये कंटीला पौधा अवश्य आपके उद्देश्य को बाधित करेगा लंकेश, वो भी तब जब अकस्मात आपके चरण इस पर पड़ेंगे, और इसी संभलने के क्रम में आप शिवलिंग सहित भूमि पर स्पर्श कर जाएंगे, और तब पिताश्री का आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। अब बुद्ध देव की बारी थी काल सर्प दोष से प्रभावित होकर अपना प्रभाव डालने की। राहु द्वारा प्रेरित करने पर बुद्ध देव, जो बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन के स्वामी हैं, प्रभु पिपलाद को वापस लौटाने के लिए आगे बढ़े, और उन्होंने प्रभु पिपलाद को सम्मोहित कर उन्हें लौटाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि अब वो बालक कदापि आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि अब तो स्वयं बुद्ध देव उसे रोकने जा रहे हैं, जिनके सम्मोहन के समक्ष किसी का भी टिक पाना असंभव है। कहाँ जा रहे हो बालक? कहीं तुम अपने मार्ग से भटक कर यहां तो नहीं पहुंच गए? इतने अपरिचित स्थान में? नहीं, ये क्या स्थान है ज्ञात है मुझे, और मैं भटका नहीं हूँ। मैं तो केवल शनिदेव से भेंट करने आया हूँ। अच्छा, शनिदेव से भेंट करने जा रहे हो, किंतु क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा?
मुझे शनिदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उत्तर चाहिए, किंतु कैसे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तुम्हें बालक? मेरे साथ की प्रत्येक अन्याय, मेरे परिवार को मुझसे छीन कर मुझे समस्त संसार में अकेला करने का उत्तर तो शनिदेव को देना ही होगा। ओ, बस यही चाहते हो तुम? इसके लिए इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो और सूर्यमंडल के भीतर प्रवेश करने का प्रयास क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये संदेश मैं शनिदेव तक पहुंचा दूंगा। जाओ बालक, लौट जाओ, जाओ बालक, लौट जाओ। जो बुद्धि के नियंत्रक हैं, उन्हें ये बालक कैसे भ्रमित कर सकता है? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। बुद्ध को पार कर इस बालक का आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं। अंततः वही हुआ जो मैं चाहता था। अर्थात प्रभु पिपलाद वहां से लौटने लगे थे, तो क्या बुद्ध देव की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल थी लंकेश? अवश्य थी, किंतु बुद्ध देव को बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन का स्वामी भी तो स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर ने ही नियुक्त किया था। हुआ ऐसा था कि उनके जन्म के कुछ समय उपरांत बुद्ध देव ने ज्ञान प्राप्ति की ओर अपना रुझान प्रकट करना आरंभ कर दिया और फिर दिवस हो या रात्रि वो अपने अध्ययन में ही लीन रहते थे। और जब उनकी आयु 30 वर्ष की हुई तब वो सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर चुके थे, किंतु फिर भी उनकी ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई। उन्हें तो और ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, इसीलिए वो अपने नेत्रों को खुले रखकर प्रभु महादेव शिव शंकर के पार्थिव शिवलिंग के समक्ष अनंत एवं कठोर तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव शंकर शंभू की वो अनूठी तपस्या करते रहे। प्रत्येक दिवस वो शिवलिंग पर चुटकी भर मिट्टी का लेप लगाते एवं समय व्यतीत होने के साथ साथ चुटकी भर मिट्टी ने शिवलिंग के आकार को अत्यधिक बड़ा कर दिया। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। और फिर एक समय ऐसा आया जब उनके निकट कुछ विचित्र और संकटमय घटनाएं घटने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक कर बुद्ध देव के मार्ग में कई बाधाएं आती रहीं, किंतु वे अटल होकर पूर्ण दृढ़ता के साथ महादेव के शिवलिंग का निर्माण करते रहे। मंदार पुष्प, बहु पुष्प, सुपूजिताय, तस्मै गायते।
सब है। और कितनी परीक्षा लेंगे आप इस भक्त की। अब तो मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन देकर मेरा सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। कल्याण कल्याण त्रयंबकं सदा शिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि एक उन्मत्त गज नहीं, गज रूप में स्वयं मैं ही हूँ? प्रभु, इस सघन वन में दो वृक्षों के मध्य इतना स्थान कहाँ है कि गज प्रवेश कर सके, और फिर वन के इस भाग तक पहुँचने के लिए एक कंकड़ भरी चढ़ाई को पार करना आवश्यक है, जो एक गज जैसे भारी पशु के लिए असंभव है प्रभु। तो फिर भी किसी प्रकार का एक गज यहाँ पहुँच भी जाता है, वो तो शांति प्रिय पशु है प्रभु, किसी पर अकारण आक्रमण नहीं करता। और यदि किसी कारणवश उग्र होकर वो यहाँ पहुँच भी जाता है, तो मुझ पर आक्रमण करने पूर्व चिंघाड़कर मुझे चेतावनी नहीं देता, जैसे आपने किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु, यदि सर्प को उत्तेजित ना किया जाए तो वो फुफकारता नहीं है, और ऋषभ भी अकारण प्रहार नहीं करता। इसलिए जो यहाँ हो रहा था प्रभु, उसके पीछे का रहस्य तो मुझे आरंभ से ही स्पष्ट हो गया था। मैं आपकी बुद्धि और ज्ञान दोनों से अत्यंत प्रभावित हुआ पुत्र। आपका चुटकी चुटकी मिट्टी लेकर एक विशाल शिवलिंग का निर्माण कर आपके द्वारा चुटकी चुटकी ज्ञान प्राप्त कर उसे आत्मसात कर अपनी बुद्धि में एकत्र करने का ही प्रतीक है। इसलिए मैं आज से आपको बुद्धि, ज्ञान, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन विद्या का स्वामी नियुक्त कर आपको सूर्य मंडल में एक स्थायी स्थान प्रदान करता हूँ, जहाँ आप सूर्य देव के निकट प्रथम ग्रह होंगे। और इस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर की कृपा से बुद्ध देवता को सूर्य मंडल में स्थान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध के स्वामी भी बने। और तब भी बुद्धिमान बुद्ध देव पिताश्री प्रभु शिव के अवतार को पहचानने में असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि पे तो काल सर्प योग का प्रभाव जो था, किंतु ऐसा अधिक समय तक नहीं रहा। जाओ बालक, जाओ बालक, लौट जाओ। ये क्या, मेरे सम्मोहन चक्र को इतनी सरलता से फेंक दिया इस बालक ने, किंतु ये कैसे किया इसने? कैसे मेरे सम्मोहन के प्रभाव को छिन्न भिन्न करने में सफल हुआ ये? और ये मुझे देखकर इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहा है, जैसे इसका मुझसे कोई पूर्व का परिचय हो? कौन है ये बालक? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमा।
महापति जनील कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। जिनकी कृपा से संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, मैं उन्हें ही अपनी माया के जाल में उलझाने का दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा था। हे प्रभु, अपने इस भक्त को क्षमा करने की कृपा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से ओम नमः शिवाय। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हो गया है समस्त ग्रहों के अधिपतियों को? ऐसा क्या प्रभाव है इस बालक में कि सभी उसे मार्ग प्रदान कर रहे हैं? क्या किसी को भी उसके कुशल का विचार नहीं है? बुद्धि के स्वामी भी इस बालक के छलावे में आ गए, किंतु कैसे, क्यों? ये सभी इस बालक को महादेव का रूप समझकर उसके समक्ष नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? और ये छलिया बालक इन्हें काल सर्प योग से मुक्त कराने के लिए कैसी माया का प्रयोग कर रहा है? सावधान सूर्यदेव, आप इस बालक के छलावे से प्रभावित मत होइएगा। बालक, मेरे सौर्य मंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो तुम कैसे चले आए? ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी, वहीं रुक जाओ, अन्यथा। और इस प्रकार सूर्यदेव राहु के एक संकेत पर अपने पूर्ण शक्तियों के साथ प्रभु पिपलाद को रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। कितना अच्छा होगा ना यदि मेरी ये योजना सफल हो और ये लंकेश अपना संतुलन खोकर यहीं गिर जाए, जिससे पिताश्री का आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यहीं भारत में ही स्थापित हो जाए। अब ये कंटीला पौधा अत्यंत निकट है, इसलिए लंकेश के और आगे बढ़ते ही सफल होगी मेरी युक्ति। असमर्थ हो गए थे, किंतु राहु केतु द्वारा प्रसारित उस काल सर्प योग के प्रभाव में अब सूर्य देव भी आ चुके थे, जिनका उद्देश्य किसी प्रकार प्रभु पिपलाद को शनि देव के समक्ष जाने से रोकना था। प्रभु पिपलाद हर छोटी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे, फिर वो बाधा सूर्य देव ही क्यों ना हो, जो अपने कण कण से अत्यंत तप्त किरणों को प्रवाहित कर प्रभु पिपलाद का मार्ग रोकने के लिए तत्पर थे। सूर्यदेव के ताप का सामना कदापि नहीं कर सकेगा ये मायावी बालक। ओम
अब देखना यह है कि जो करने में अन्य ग्रहों के अधिपति असफल रहे उसे पूर्ण करने में सार मंडल के स्वामी सूर्य देव सफल होते हैं अथवा नहीं। बालक, मेरे सौर्य मंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो तुम कैसे चले आए? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती सूर्यदेव। इसीलिए मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो मैं करके ही लौटूंगा। ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी, वहीं रुक जाओ अन्यथा। जी, हमें सूर्यदेव को रोकना होगा। ठहरिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये प्रभु का पिपलाद अवतार हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और कदाचित ये सब भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। ये बालक तो मेरी शक्तियों को ही सोखने लगा है, शक्ति विहीन कर रहा है मुझे ये, मेरी ही शक्तियों से। ये कैसे संभव है, कैसे संभव है ये? इस मायावी बालक ने तो सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लिया, उनके ताप को क्षीण कर दिया। ये कैसे संभव है? संभव को संभव कैसे कर रहा है ये बालक? जो कभी नहीं हुआ वो कैसे होगी? ये कैसे संभव? मेरे ही तेज से इसने स्वयं को तेजोमय कर लिया। सूर्यदेव ने जो दृश्य देखा वो सत्य हुआ? क्या प्रभु पिपलाद ने वास्तव में सूर्यदेव का शीश उनकी धड़ से विलग कर दिया? लंकेश, गौरी पुत्र, सूर्यदेव ने तो वो दृश्य देखा जो उनके साथ पूर्व में घटित हो चुका था। अर्थात? ये समझाने के लिए तो मुझे आपको पूर्ण कथा पीछे से सुनानी होगी। एक समय की बात है, सूर्यदेव की जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई थी जब उन्होंने मेरे नाना असुर सुमाली और उनके भ्राता माली के विरुद्ध एक भीषण युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। असुर भ्राता माली और सुमाली सूर्यदेव से युद्धरत थे और सूर्यदेव ने तो उन्हें लगभग पराजित भी कर दिया था, किंतु सूर्यदेव को ये ज्ञात नहीं था कि दोनों असुर भ्राताओं को प्रभु महादेव से
सुरक्षा वरदान प्राप्त था और वे किसी भी क्षण उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत भी हो सकते थे। हे महादेव, इन अधर्मियों की रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। महादेव, आपने हमें वचन दिया था कि आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। महादेव, यदि युद्ध में कभी कोई संकट आ जाए तो आप उस संकट से भी हमें मुक्त करेंगे। महादेव, 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 बचाइए महादेव। प्रभु, इससे पूर्व की सूर्यदेव हमें क्षति पहुंचाए, इनका अंत करके हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं, इनकी रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु बचाइए। प्रभु बचाइए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। महादेव मुझ पर ही लक्ष्य साध रहे। प्रभु महादेव ने अपने भक्तों में पक्षपात ना करते हुए अपने वचन अनुसार अपने भक्तों की रक्षा की। किंतु सूर्यदेव, फिर उनका क्या हुआ लंकेश? सूर्यदेव के अंत से उनके पिता ऋषि कश्यप बहुत व्याकुल हुए। उस युद्ध के उपरांत वो अपने पुत्र सूर्यदेव की देह के निकट शोक करते रहे और प्रभु महादेव की याचना करते रहे। ये कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु आपने? मेरा पुत्र तो धर्म का पालन कर रहा था, अपना दायित्व निभा रहा था, आपने उसको किस अपराध की भयंकर सजा दी प्रभु? मैं भी तो अपने भक्तों के प्रति धर्म और कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था ऋषिवर। उन दुष्टों की रक्षा और मेरे पुत्र का अंत आपका कर्तव्य कैसे हो सकता है महादेव? आप मेरे दोषी हैं महादेव। मैं आपको श्राप देता हूं, जिस प्रकार मेरे पुत्र का शीश आज उसके घर पे बिलग हुआ, आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप भी नियति से विवश होकर अपने पुत्र का शीश उसके तन से अलग करेंगे। और ऋषि कश्यप के उसी श्राप के कारण आपके पिता प्रभु महादेव शिव शंकर द्वारा आपके शिष्य के विलग होने का संयोग उत्पन्न हुआ था।
अंकेश, मुझे तो पिताश्री अर्थात महादेव की कृपा से एक नवीन शीश प्राप्त हुआ था, तो क्या सूर्यदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ था? ऋषि कश्यप ने मेरे प्रभु को इतना भयंकर श्राप दिया, किंतु मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर अत्यंत क्षमाशील और घोर कृपा निधान है। ऋषि कश्यप से श्राप पाकर भी बिना क्रोधित हुए उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से सूर्यदेव को पुनः जीवित कर दिया। ऋषिवर, स्वयं मुझे मेरे उन असुर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत देखकर आपके पुत्र सूर्यदेव अपने धर्म पथ से विचलित नहीं हुए। उन असुरों का अंत करने का प्रयास करते रहे। इसी प्रकार अपने धर्म पर अडिग रहकर उन्होंने मुझे अपनी उनकी धर्म परायण का कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम से प्रभावित किया है, इसलिए मैंने प्राण दान देता। मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि के लिए आपको सत सत नमन प्रभु। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। किंतु क्या प्रभु पिपलाद को अपने समक्ष पाकर भी वो इस घटना का स्मरण करने में असमर्थ रहे? प्रभु पिपलाद के उनके समक्ष आने पर ना सही, किंतु प्रभु द्वारा लक्षित अपनी ओर बढ़ते उस त्रिशूल को देखकर उन्हें सब स्मरण हो गया। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। फल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त से इस चंदन की भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। सूर्यदेव भी इस बालक के छलावे में उलझ गए। इन सभी ग्रहों के अधिपतियों को और स्वयं सौर मंडल के स्वामी सूर्यदेव को यह हो क्या गया है? ये सभी इस बालक के माया जाल में क्यों उलझते जा रहे हैं? वहीं रुकने के स्थान पर उसे आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं? सूर्यदेव से तो कुछ अपेक्षा करना ही व्यर्थ था।
जो अपने पुत्र को ही ना रोक सके वो भला किसी अन्य बालक को क्या रोकेंगे। अब तो मात्र शेष ग्रहों के अधिपतियों से ही आशा है कि वो उस बालक को रोककर उसे सुरक्षित स्थान प्रदान करे, अन्यथा वो मेरी दृष्टि का सामना कर उसका भयंकर परिणाम सहेगा। गुरु बृहस्पति, सावधान रहिएगा इस बालक से, इसके छलावे में आए बिना इसे लौटा दीजिएगा। आपको शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहां आपसे युद्ध करने अथवा आपको रोकने नहीं आया, बस आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। ये कैसा विचित्र अनुभव हुआ मुझे, कैसा दृश्य देखा मैंने, जैसे कि मैं इस बालक के समक्ष शशि रूप में स्थित हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि शनि देव से बैर भाव। मैं कह रहा था कि तो देवगुरु बृहस्पति ने भी प्रभु पिपलाद को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो सभी दृश्य जो उनके समक्ष प्रकट हो रहे थे उनका क्या अर्थ था लंकेश? वो दृश्य तो देवगुरु के अतीत की उस घटना से संबंधित थे, जब उन्हें अपना नाम और देवगुरु का पद प्राप्त हुआ था। अर्थात ऋषि अंगिरा सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से थे। उनकी अर्धांगिनी देवी स्मृति से उनको दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे जीव, शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। जीव ने अपने पिता को गुरु मानकर उनसे विद्या प्राप्त की और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने, किंतु एक दिवस उनके पिता ने कहा, आरंभिक शिक्षा के उपरांत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि गृह से बाहर एक योग्य गुरु से शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करे, और पिता के इन वचनों से प्रेरित होकर जीव ने शिव शंकर शंभू को ही अपना गुरु मान लिया और प्रभु के पार्थिव शिवलिंग को गुरु के रूप में एक उच्च स्थान पर स्थित कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, रत्न सानुशरासनम रजताश्रीनिकेतनम सिरनीकृत भगिरमच्युताय नसायकाम क्षिप्रचक्रमुद्रायम त्रिदिवालयैर अभिवंदितम चंद्रशेखर माश्रये ममता करिष्यति वै यमः भस्मदिग्ध कलेवरम भवनायनं भवं जयम् चंद्रशेखरमाश्रये। वैद्यनाथं चिता भूमा नागेशं दारुकावने वस जीव च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मैं आपको अपने गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गुरु बिनु भवन दी तरी न कोई, जो ब्रिंचे संकर्षम हो, अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, भले ही फिर वो स्वयं हम त्रिदेवों के समान ही क्यों न हो। गुरु के अभाव में देव
दानव और मानव सभी अपने पद से भटकने लगते हैं, गुरु ही अपने शिष्य को पथ प्रदर्शक होते हैं। और अब तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के पथ से परिचित कराऊं। वर्तमान समय में देवताओं को गुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, तुम में उनके गुरु बनने के समस्त गुण उपस्थित हैं। मैं तुम्हें देव गुरु नियुक्त करता हूं और सूर्य मंडल में बृहस्पति ग्रह के अधिपति होने का स्थान भी प्रदान करता हूं। आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा। देव गुरु बृहस्पति, आज से आप बुद्धि दर्शन एवं समस्त धर्म शास्त्रों के स्वामी होंगे और सब जगत के हित हेतु सदैव प्रेरित रहेंगे, सदैव प्रेरित रहेंगे। मैं समझ गया लंकेश कि यही कारण है कि देव गुरु बृहस्पति को प्रभु पिपलाद के रूप में उनके गुरु क्यों दिखाई दे रहे थे। देव गुरु बृहस्पति द्वारा इन दृश्यों को देखकर उनके सामने सत्य का उजागर हुआ और वे काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो गए। गुरु बिना भवन दि तरई न कोई, जो बरिंचे शम का सम हो। ये क्या कर रहा था मैं, अपने ही गुरु स्वयं महादेव को समझाने चला था। क्षमा कीजिए गुरुवर, आपके इस शिष्य ने आपको पहचानने में बहुत विलंब कर दी। अब स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी इस बालक के समक्ष नतमस्तक हो गए। मैं आपका प्रिय धतूरा आपको भेद स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है ये बालक जिसे स्वयं देव गुरु भी समझा कर लौटाने में असफल हो गए। प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही ये बालक मुझ तक पहुंचकर मेरे समक्ष होगा। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि कहीं मेरी दृष्टि के प्रकोप से उसका सर्वनाश न हो जाए। अब मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य से ही आस है कि वो अपने आत्मबल की दृढ़ता से इस बालक को रोकने में सफल होंगे। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, अन्य सभी ग्रहों के अधिपति तो इस बालक के छलावे से भ्रमित हो गए। आप अपने हृदय की कोमलता से प्रभावित हुए बिना इस बालक का मार्ग अवश्य रोकेंगे। ऐसे भोले भाले प्रतीत होने वाले सुकुमार बालक को इतनी उदंडता शोभा नहीं देता। चले जाओ यहाँ से। तो क्या आपके समान महागुरु प्रतीत होने वाले महाज्ञानी को एक बालक पर इतना उत्तेजित होकर तीव्र स्वर में गर्जना क्या शोभा देता है? तुम्हारा मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है बालक।
कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ब्रह्मांड में हम नौ ग्रहों का कितना उच्च स्थान है और सौरमंडल का अस्तित्व का क्या महत्व है। और कदाचित आपको ये ज्ञात नहीं कि माता पिता के स्नेह से रिक्त अस्तित्व क्या होता है। माता के दुग्ध से रहित रहकर पीपल वृक्ष के पत्तों से पोषण पाना कैसा अनुभव होता है, ये ज्ञात है आपको? नहीं ज्ञात है ना? तो हे गुरुवर, कृपा कीजिए, मेरे मार्ग से हट जाइए। शनिदेव ने जो अन्याय मेरे साथ किया है उसका दंड उन्हें भुगतना ही होगा। अन्यथा मैं तुम्हें अभी मंत्र जल से भस्म कर दूंगा। आज मुझे रोकने के लिए कोई भी प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, शनिदेव से अपने उत्तर प्राप्त किए बिना मैं कदापि नहीं रुकूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य का अभी मंत्र जल तो किसी आमले से भी अधिक भयंकर है। तो मेरा ग्रह ही नहीं, समस्त सौर्यमंडल, समस्त ब्रह्मांड समाहित है। प्राचार्य ने उनके भीतर उस पूरे ब्रह्मांड को देख लिया जिसके भीतर सब कुछ समाया हुआ था। फिर कोई क्या देव और क्या दानव, सब नगण्य थे। अंततः अपनी भूल का आभास होते ही असुर गुरु शुक्राचार्य पश्चाताप कर महादेव से गुहार करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी, इतना समय व्यतीत हो गया है आपके उदर में, संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए। प्रभु अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपकी आराधना एवं क्षमा याचना स्वीकार कर आपको मुक्त करता हूं। आपकी प्रबल इच्छा शक्ति भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपको सूर्य मंडल में एक स्थान प्रदान करता हूं। आज से आप शुक्र ग्रह के अधिपति शुक्राचार्य कहलाएंगे। प्रभु पिपलाद के समक्ष आते ही असुर गुरु शुक्राचार्य को देवासुर संग्राम के समय घटित उस घटना का स्मरण हो आया था।
सर्वकं सदा शिवं नमामि हे कंठ जय अनंत मोस्तुते नमोस्तुते। क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। इस प्रकार उन सभी ने प्रभु पिपलाद का सूर्यमंडल में स्वागत किया। अवश्य गौरी पुत्र, किंतु सूर्यमंडल में अभी भी कुछ ऐसे ग्रह अधिपति शेष थे जो प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। अब कुछ ही क्षणों में मैं शनिदेव के समक्ष पहुंचकर उनसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मांग लूंगा। अब क्या करें हम? इस बालक को शनिदेव तक पहुंचने से कैसे रोके हम? चिंता मत करो केतु, इस बालक को यहाँ पर प्रवेश तो करने दो, फिर शनिदेव के ग्रह तक पहुंचने से पूर्व वो हमारे काल सर्प योग के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर उससे तो प्रभावित होगा। अर्थात जिस प्रकार सभी ग्रह के अधिपतियों ने काल सर्प योग से प्रभावित होते ही अपना विवेक खो दिया था, उसी प्रकार अब स्वयं प्रभु पिपलाद को लेकर भी यही संभावना उत्पन्न हो गई थी। कुछ योग ऐसे ही होते हैं गौरी पुत्र, जिनसे भगवान स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह पाते। काल सर्प योग से ये अवश्य रुकने पर बाध्य होगा। जो कार्य कोई अन्य न कर सका उसे राहु और केतु करने में सफल हो गए। अद्भुत। उस समय शनि दृष्टि के समान काल सर्प योग पे भी कोई नियंत्रण नहीं था। तो लंकेश, क्या प्रभु पिपलाद पर भी काल सर्प योग का वैसा ही अहितकर प्रभाव हुआ जो अन्य ग्रहों के अधिपतियों पर हुआ था? सामान्य रूप से जो व्यक्ति काल सर्प योग से प्रभावित होता है उसका जीवन पूर्ण रूप से अस्थिर एवं अपमानजनक रहता है। व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के हानियों के साथ आर्थिक संकट, असाध्य रोग और मानसिक विकारों से ग्रस्त होने के दुख भी भोगते हैं, किंतु इन सभी से अधिक भयंकर है काल सर्प योग के प्रभाव में आकर धीरे धीरे अपनी सुध बुध एवं अपनी बुद्धि और विवेक से अपना नियंत्रण खो देना। और यही राहु और केतु प्रभु पिपलाद के साथ भी करना चाहते थे। इस बालक पर हमें अपने काल सर्प योग का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव करना होगा। ये कैसा प्रकाश है? होगा, अवश्य होगा। ये बालक भी पूर्ण रूप से काल सर्प योग से प्रभावित होगा। और अब ये कैसा अंधकार उत्पन्न हो रहा है मेरे चारों ओर? ये क्या स्थान है? कहाँ आ गया हूँ मैं?
मैं कहाँ हूँ और यहाँ से किस दिशा में जाना है मुझे? चिंता मत करो बालक, मैं करूँगा तुम्हारा मार्गदर्शन। अब ये बालक कहीं नहीं जा सकेगा, कहीं भी नहीं। वैसे तो ये हमारे समक्ष ही खड़ा है, किंतु काल सर्प योग के प्रभाव में आने के कारण ये सोच रहा है कि किसी अज्ञात स्थान पर आकर लुप्त हो गया है। मैं बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे। राहु केतु द्वारा उत्पन्न जिस काल सर्प योग से हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहा, उस विकट योग से हमें मुक्ति दिलाने वाले ये दिव्य शिव रूपी बालक कहीं स्वयं तो उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे? राहु और केतु जिस शक्तिशाली काल सर्प योग को उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वो आजीवन इससे मुक्त नहीं हो पाता। केतु, अब हम इस छलिया बालक पर प्रचंड काल सर्प योग का प्रभाव डालकर इसे लौटा देंगे और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसी प्रकार स्तब्ध होकर देखते रहने पर विवश हो जाएंगे। हम शनि देव से विशेष मित्रता का संबंध स्थापित करने में सफल हो जाएंगे और इस प्रकार हम सदैव उनकी दृष्टि से सुरक्षित रहेंगे। राहु और केतु ने अपने प्रयासों से उस बालक को रोककर तारमंडल में अपने स्थान की सार्थकता को सिद्ध किया। उनके कारण अब ये बालक ना ही मुझ तक पहुंच सकेगा और ना ही मेरी दृष्टि के प्रभाव में आकर उसका तनिक भी अहित होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि अब ये दोनों इसे यहां से लौटाकर मुझसे दूर रखने में सफल हो जाएंगे। अब मैं छलिया बालक को दिखाऊंगा कि काल सर्प योग कैसे किसी को उसके दुर्भाग्य में उलझाकर उसके जीवन को रोग और विकारों से ग्रस्त करता है। इधर उधर क्या देख रहे हो बालक, आगे बढ़ो, मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे और आगे, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। मैं पथ प्रदर्शन करूंगा। कदाचित मुझे इन नेत्रों की ओड़ी बनना चाहिए। केतु का सर्प रूपी प्रभाव प्रभु पिपलाद के अत्यंत निकट रहकर उनका पीछा कर रहा है और वो स्वयं राहु की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे निकट आओ। ये जो भी घटित हो रहा है किसका संकेत है? प्रभु की भव्य लीला का अथवा किसी घोर अनिष्ट का? महादेव के अवतार अवश्य हैं ये, किंतु है तो एक साधारण बालक के ही रूप में, जो शनि दृष्टि के कारण पूर्व में ही अपने माता पिता को खोने का कष्ट भोग चुके हैं और अब यदि राहु ने इन्हें निगल लिया तो इन पर काल सर्पयोग का प्रभाव इतना स्थिर और स्थायी हो जाएगा, तो फिर उससे ये प्रभु स्वरूप बालक कैसे मुक्त होंगे? इसी दिशा में आगे बढ़ना है मुझे।
कदाचित महादेव के बाल स्वरूप प्रभु पिपलाद से अधिक काल सर्प योग की ही परीक्षा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त हो गए। मेरे निकट आओ, मैं ही तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करूंगा। आओ, आते जाओ। ये क्या प्रतीत होता है? प्रभु भी काल सर्प दोष योग से प्रभावित हो गए। ये तो अत्यंत अनिष्टकारी है सूर्यदेव, फिर प्रभु स्वयं को इससे कैसे मुक्त करेंगे? कैसे हो गया लंकेश? जिन्होंने सभी को काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त किया, वो स्वयं उसमें ऐसे उलझ गए कि राहु उन्हें निगलने में सक्षम हो गए। गौरी पुत्र, कभी कभी प्रभु के दिए वरदानों के समक्ष देवी शक्ति भी अपूर्ण रह जाती है। अर्थात लंकेश, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अपनी कथा तो पूर्ण करने दीजिए, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे। गौरी पुत्र, लंकेश जल। राहु तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने प्रभु पिपलाद को अपने मुख में बंदी बना लिया है और वो अब उन्हें काल सर्प योग के दो प्रमुख प्रताड़नाएं अर्थात मानसिक एवं भावनात्मक यंत्रणाएं भी देना चाहते थे। राहु हूँ मैं राहु, जिसकी माया के प्रभाव से किसी ग्रह के अधिपति भी रक्षित नहीं रहे, और अब वही राहु अपनी माया के प्रभाव से इस बालक को ऐसा अपार कष्ट देगा जिससे कि ये बालक यहाँ एक क्षण के लिए भी रुकने के स्थान पर प्रथम अवसर प्राप्त होते ही अपने कष्टों के निवारण हेतु यहाँ से लौटने के लिए विवश हो जाएगा। मेरे पुत्र पिताजी उकाओ। पुत्र माता, क्या ये मेरी माँ का स्वर है? माँ, क्या आप यही हैं? माता
इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी राहु ने उस बालक को वापस क्यों नहीं लौटाया? राहु क्या कर रहे हैं उस बालक के साथ? कहीं राहु से कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे? केतु, अभी तो मात्र अपने माता पिता की पुकार सुनी होगी इस बालक ने। अब ये उनकी गुहार भी सुनेगा, फिर ये छलिया बालक व्याकुल होकर उन्हें ढूंढना आरंभ करेगा। किंतु इसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं देंगे और ये इसी प्रकार उनको ढूंढने में उलझा रहेगा और थक कर कलांत हो जाएगा। पुत्र वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। इधर आओ पुत्र, यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र। मुझे यहाँ से मुक्त करो पुत्र। कहाँ हो पुत्र? आ क्यों नहीं रहे हो माता? पुत्र वहाँ नहीं। माता और पिताश्री का स्वर तो सुनाई दे रहा है मुझे, किंतु मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। माता, पिताश्री, माँ, आप यहाँ हैं? पिताश्री, माँ। पिताश्री, अब ये बालक अपने माँ और पिता की दुर्गति, उनके कष्ट और पीड़ा का साक्षी बनेगा। प्रभु के बाल स्वरूप की ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं हो रही। मुझे ज्ञात हो गया है पुत्र, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पिताश्री कहाँ चले गए? पुत्र, मेरी भी रक्षा नहीं कर सकोगे तुम? माँ, 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 माता, माँ, माता, 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 माँ, 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 माँ। एक कोमल बाल हृदय बालक को राहु के कारण इतना कष्ट हो रहा है, ये तो शनिदेव को भी स्वीकार ना होगा। मेरी तो यही आशा है कि राहु और केतु उस बालक को रोकने के लिए कोई यंत्रणा ना दे दें, क्योंकि मैं तो स्वयं उसे उसके अहित से सुरक्षित रखने के लिए ही उसे लौटाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे ना ही वो मेरी दृष्टि का सामना करने पर विवश हो और ना ही कोई उसे अन्य पीड़ा। अब इस छलिया बालक की पीड़ा में और वृद्धि होगी जब मैं इस बालक के समक्ष मृत्यु के उपरांत
इसके माता पिता के नरक में निवास के दृश्य प्रस्तुत करूंगा। नहीं राहु, रुक जाओ। इस अंधकारी सुरंग के अंत में अभी से तीव्र प्रकाश दिखाई देगा। और अब ये उस प्रकाश की ओर बढ़ेगा। और जब इसकी दृष्टि इस प्रकाश को भेदकर उस पार देखेगी तो मृत्यु के उपरांत अपने माता पिता की दुर्दशा को देखकर स्तब्ध रह जाएगा। ईश्वर, आज आप ही के कारण स्वर्गलोक का अस्तित्व सुरक्षित है। आपने अपने परम त्याग से स्वर्ग पर ही नहीं समस्त जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके लिए मैं देवराज इंद्र सदैव के लिए आपका आभारी रहूंगा। हाँ ईश्वर, स्वर्गलोक ही नहीं अपितु पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि आपके बलिदान के कारण ही आज सुरक्षित है। अन्यथा वो दुष्ट व्रतासुर सर्वत्र विनाश करता, संपूर्ण ब्रह्मांड को लील जाता हो और कुछ भी शेष नहीं रहता। मैं आपको आशीष देता हूँ, संपूर्ण संसार आपके इस महान बलिदान को श्रेष्ठतम बलिदान का मान देगा और आपका ये महान बलिदान सदा समान रखेगा, क्योंकि एकमात्र आप ही थे जो इस विकराल संकट में भी अपने धन पर अडिग रहे, तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसलिए आपका स्थान तो मेरे महानतम भक्तों में भी सर्वोच्च है। मैं आपको और आपकी सहभागिनी को देवी सुवर्चा को मेरे धाम मेरे कैलाश में विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। और फिर उन दोनों को स्वयं महादेव ने शिव धाम कैलाश में स्थान प्रदान किया। ये क्या कह रहे हो राहु, उसके माता पिता को कैलाश धाम में स्थान प्राप्त हुआ? ये कैसा दृश्य दिखा रहे हो तुम इस बालक को? क्या, मैंने क्या कहा कैलाश धाम? किंतु मैं तो इस बालक को नर्क लोक के दृश्य दिखाना चाहता था। किंतु वो दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे ना, दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे ना। मुझे नरक लोग अतो उसकी दुर्गति के प्रामिक दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि मैंने तो उसी सदगति के दृश्य देखे
जो मेरे माता पिता को प्राप्त हुए। मैं आपको और आपकी सहभागिनी को और आपकी देवी सुवर्चा को मेरे धाम मेरे कैलाश में विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। ये कैसे संभव है? इस पर मेरी माया सफल कैसे नहीं हुई? जिसके हृदय में और मन मस्तिष्क में सत्य और धर्म का वास होता है, जो अपने कर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और जो सभी प्रकार से स्वच्छ एवं पवित्र रहता है, वो किसी के माया जाल में प्रभावित नहीं होता है राहु जी, चाहे वो तुम्हारा काल सर्प योगी क्यों ना हो। ये कैसे हो सकता था लंकेश? जिन्होंने शेष ग्रहों को काल सर्प योग से मुक्त कराया, उन्हीं प्रभु पिपलाद को राहु केतु भला कैसे अपनी माया में उलझा सकते थे? गौरी पुत्र, वास्तविकता के दो रूप होते हैं, पहला जो दिखाई देता है और दूसरा जिसका आधार विश्वास होता है। प्रभु पिपलाद ने राहु केतु के अति आत्मविश्वास को अपना अस्त्र बनाकर न केवल उसकी माया का सामना किया अपितु उन्हें ही माया में डाल दिया। छलिया मायावी बालक, तुम मेरे मुख से बाहर कैसे निकले? मैंने कोई छल नहीं किया। यदि आपको प्रतीत होता है कि आपने मुझे निगल लिया, तो ये केवल आपकी भ्रांति थी, क्योंकि मैंने तो कभी आपके मुख में प्रवेश नहीं किया। आपके ही माया ने आपको ही प्रभावित कर आपके भीतर भ्रम उत्पन्न किया। शनिदेव, मैं आ रहा हूँ। आपके राहु केतु भी मुझे रोकने में असमर्थ रहे, किंतु मैं इन दोनों को उनके उचित पाठ पढ़ाने के पश्चात ही आऊंगा।